वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीकॉम में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इंसॉल्वेंसी चैप्टर पे कमांड करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हम लोगों का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज रिक्वायर्ड बाय द इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को दो पार्ट में किया गया है, एक जिसमें लाइबिलिटीज कंसर्न होते हैं एंड दूसरा एसेट्स कंसर्न होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट को देख लें। ग्रॉस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर एक्सपेक्टेड टू रैंक, जिसमें फर्स्ट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, यानी कि लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। नेक्स्ट, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, इसका अमाउंट यहां रहेगा लेस सिक्योरिटीज, क्योंकि ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो इसका अमाउंट कभी भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सिक्योरिटी का अमाउंट क्रेडिटर के अमाउंट से ज़्यादा है, इसलिए बैलेंस देयर फॉर कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सी। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है इसलिए इसका पेमेंट जो है ये बाहर में आउटर कॉलम में आएगा, और इसके जो सिक्योरिटीज का वैल्यू होता है वो क्रेडिटर के अमाउंट से कम होता है। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी, जिसमें क्रेडिटर फॉर रेंट, रेट्स, सैलरीज, वेजेस ये सब आएंगे, और इसका अमाउंट भी बाहर नहीं लिखा जाता है। तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगा कि लिस्ट ए का जो क्रेडिटर है इसका अमाउंट बाहर होगा, लिस्ट बी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कभी बाहर नहीं होगा, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट बाहर होगा, और लिस्ट डी का क्रेडिटर का अमाउंट भी बाहर नहीं होगा, डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एसेट्स एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर, जिसमें फर्स्ट है प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, जिसमें क्या क्या हो सकता है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, अदर प्रॉपर्टीज, इन सब का एडिशन करके आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, गुड, गुड का अमाउंट ऑलरेडी बाहर होता है, डाउटफुल में जितना मिलेगा वो बाहर होगा, बैड कभी भी बाहर नहीं होता, यानी कि कुल मिला के डेटर का अमाउंट भी बाहर ही जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, ये भी बाहर आएगा। सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर कॉन्ट्रा, इसका मतलब ये जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसमें लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कॉन्ट्रा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कॉन्ट्रा, और यहाँ से ये जो टोटल एसेट्स का वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, टोटल उसमें से लेस करेंगे डिडक्टेड प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट इनर कॉलम में होता है, बाहर नहीं जाता है, और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट सबसे पहले किया जाता है इसलिए उसका नाम है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। तो टोटल में से प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस करेंगे, अब जो बैलेंस आया इसका कंपैरिजन करेंगे इस टोटल लाइबिलिटी साइड से, ये टोटल से ये बैलेंस आपका कम होगा, तो यहां पे निकलेगा डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो ये था मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस, आप इसको देखो, लिस्ट को जानो, क्योंकि ये लिस्ट के बिना आप इंसॉल्वेंसी चैप्टर नहीं बना पाओगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंसॉल्वेंसी के बारे में डेफिशिएंसी अकाउंट और अदर रूल्स बताऊंगा। थैंक यू।